बैंक ऑफ बड़ौदा ने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर मूक बधिर विद्यालय पहुंचकर पानी की टंकी एवं फल भेंट किए। इस अवसर पर बैंक मैनेजर विकास से रंगवंशी, हिमांशु परिहार, मानवेंद्र ठाकुर, राजेश पटेल, निकिता जैन, पंकज कुमार सहित बैंक अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही। मालूम हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा मूक बधिर विद्यालय पहुँच करके आवश्यक वस्तुओं की जानकारी चाही गई थी और उसके बाद यहाँ पर उस लिहाज से पानी की टंकी सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। मालूम हो कि लगातार अनेक बैंक और अनेक संस्थाएं इस तरह से सहयोगात्मक रवैये के साथ सहयोग करते हैं और मूक बधिर विद्यालय में पहुँच करके इस बैंक परिवार के द्वारा भी यही कार्य किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। बैंक का उद्देश्य यही है कि समाज की सेवा कर सकें। आज बैंक का फाउंडेशन डे है, 115वां दिवस है। उस पर हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको सहयोग करने का सोचा। तो संस्था के जो प्रमुख हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए टंकी की आवश्यकता है जिससे पानी का सप्लाई हो सके। तो इस पर हमने डिस्कस किया और चुनाव करते हुए हमने सेवा की। और भी हमें कुछ लगेगा संपर्क में रहेंगे, जो कुछ हमसे बनेगा हम पूरा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? विकास रघुवंशी। कौन सा बैंक है आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा देवरी दमोह।